अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो आज के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, आज से लॉकडाउन में बहुत छूट दे दिए हमारे यहाँ के बादशाह सलमान ने, यहाँ की हुकूमत ने। आज से बड़े मॉल खुल जाएंगे 26 अप्रैल से, और 29 तारीख से 29 अप्रैल से आपको सभी दुकानें देखने को मिल जाएंगी। करीब करीब सैलून वगैरह, ब्यूटी पार्लर और ऐसी काफ़ी दुकानें हैं जो खुलेंगी नहीं, जो सोशल डिस्टेंसिंग से नहीं हो सकती। बड़े मॉल आज ही से खुल जाएंगे और 29 तारीख से लेके शॉपिंग मॉल और बहुत सारी, यानी कि जैसे कि थोक की दुकानें हैं, खुदरा दुकानें हैं, ये सब देखने को मिल जाएंगी। तो 14 दिन के लिए छूट दिए, अगर बढ़ता नहीं तो लॉकडाउन पूरी तरह खुल जाएगा। अगर केस बढ़ते हैं तो फिर नहीं खुलेगा। ये 14 दिन के लिए इन्होंने देखने के लिए किया है, छूट दिए काम करने के लिए। आप काम कर सकते हैं, जो लीगल आदमी है, जो से कि सौवाक हैं, कपालत पे काम करते हैं लीगल, उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। काम मिलता है तो कर सकते हैं घर में बैठ के, लेकिन अभी भी आपको बहुत नियमों का सेम पहले जैसा ध्यान रखना है। सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक के लिए छूट मिली है, नियम के अंदर रहना है। अगर 5 बजे के बाद अभी भी आप कहीं बाहर पकड़े जाते हैं तो गर्म है। और क्या क्या कहाँ छूट मिली है पूरी वीडियो देखिए। मैं ज़्यादा 2-2.5 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, 1-1.5 मिनट की, 2-2.5 मिनट की, इससे बड़ी नहीं बनाता हूँ। कहाँ छूट मिली है, करीब करीब सभी शहरों में मिली है, मगर मक्का मदीना में अभी भी पूरी तरह लॉकडाउन है, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट है, उधर बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो अगर ये 14 दिन के अंदर केस बढ़ते नहीं है तो लॉकडाउन खुल जाएगा पूरी तरह। कुछ दवाई ववाई का बल प्रयोग करेंगे, अगर केस बढ़ते हैं तो फिर दूसरा फैसला लेंगे, हो सकता है फिर पूरा लॉकडाउन हो जाए। फिलहाल ये 14 दिन के लिए किया है सऊदी हुकूमत ने। तो दुआ करिए, रमज़ान रखिए अच्छे से, इबादत करिए, अल्लाह इस अजाब को दूर कर दे, बीमारी ख़त्म हो जाए और काम फिर से पहले जैसे सब हो जाए। ये स्क्रीनशॉट में जो दे रहा हूँ ये आप पढ़ सकते हैं पूरा। सभी काम के लिए छूट नहीं है, सभी दुकानों के लिए छूट नहीं है। थोक और खुदरा व्यापार, मॉल वगैरह ये खुल गए हैं जी। और कैफे जैसे कि होते हैं बूफिया बकाला, जो कि ये जूस वगैरह देती है, इनको छूट है पार्सल देने के लिए।